वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। बंधुओं, आप सबके लिए हम रोज कुछ ना कुछ नई बातें लेकर आते हैं कि हमारे बीच में डॉक्टर पवन श्रीवास्तव जी हैं कि आप प्राकृतिक चिकित्सक हैं और जल पद्धति से आप चिकित्सा करते हैं। जल पद्धति से दिव्यांगता को हम कैसे रोक सकते हैं, उनको मुख्य धारा में हम कैसे ला सकते हैं, हमें क्या सावधानियां बरतनी है, जीवन के हर मोड़ पर दिव्यांगजन कैसे सशक्त हो सकते हैं, इन्हीं सारे विषयों को समेटे हुए डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जल पद्धति क्या है दिव्यांगजन के लिए, उनके अभिभावकों के लिए, यह जल कैसे नया जीवन दे सकता है? धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें ये मौका दिया कि मैं समाज के लिए कुछ बता सकूं और कुछ सेवा कर सकूं। मनुष्य के शरीर में अगर देखा जाए तो 72% जल तत्व है। अगर बात करें कि कैसा आहार ले रहे हैं और उसके बाद वो आहार जब हमें हमारे शरीर को वो एनर्जीज देती हैं, वो शक्तियां देती हैं, तो वो जल के माध्यम से ही हमारे शरीर के उन हर सेल्स तक जाता है। अब बात ये है कि जो जल है वो जल कितना शुद्ध है, कितना बढ़िया है, कितना बेहतर है। जो भी हमारे पहाड़ों के जो जल हैं वो बहुत विशेष रूप से जल कहे जाते हैं। हाँ, कहते हैं कि उसमें जो हिमालय की जड़ी बूटियां हैं वो उसमें रब करते हुए आती हैं और औषधि है, औषधि युक्त है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं उस खाने के बाद हम जल को भरपूर मात्रा में जब नहीं लेते हैं, इनटेक नहीं करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आमतौर पे एक 20 किलो के वजन पे हमें 1 लीटर जल का सेवन करना चाहिए। अगर हमारा वजन 40 किलो है तो हमें कम से कम 2 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। खाना खाने से आधे घंटे पहले जो पानी आपको पीना है वो पी लीजिए, क्योंकि खाना जब हम खाने जाते हैं तो हमारी लार ग्रंथियां काम करती हैं, हमारे एंजाइम सिस्टम काम करते हैं और खाना पचाने का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हम जल पी लेते हैं तो वो उसको नष्ट कर देते हैं, तो हमारा इनडाइजेशन सिस्टम शुरू हो जाता है। और इसीलिए 99.9% पेशेंट पेट से है, और अगर पेट से रोग है तो शरीर में तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। भगवान के बहुत बड़े सौभाग्य से, आशीर्वाद से माँ बनने आती हैं। 3 क्वार्टर लिए जाते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर में उनको पता ही नहीं चल पाता है, धीरे धीरे उनको प्रोसेस होता है, वो पता चलता है कि भाई वो कंसीव कर लिए हैं। सेकेंड क्वार्टर में उनको सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो सेकेंड क्वार्टर से बॉइल्ड फूड का ज्यादा भोजन करना चाहिए, जो आसानी से पाचे हो जाए, मतलब उबला होगा, उबला होगा। अपने पूरे 9th मंथ तक उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि शरीर में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक अम्लीय और क्षारीय, जिसे अल्कलाइन और एसिडिक बोलते हैं। जब माँ का खून किसी भी कारण से अल्कलाइन अगर कम होगा, अल्कलिनिटी कम होगा, मतलब 80% अल्कलाइन होना चाहिए। अगर उन माँ के ब्लड में, वैसे ही महिलाओं का ब्लड बहुत कम होता है और माँ अपने बच्चे को 9 महीने ब्लड से ही उन्हें पालती है, पोसती है, तो उस दौरान जो मिनिमम ब्लड है उस ब्लड की भी शुद्धता 80% होनी चाहिए। अगर बाय दी वे 80% नहीं है तो 70% से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें ये कमी आती है तो बीमारियां जन्म लेती हैं। अल्कलिनिटी की कमी हुई तो बीमारियों का जन्म हुआ, और बीमारी तमाम तरह की होती है, जिसमें हार्ट से लेकर के पोलियो और तमाम तरह की प्रॉब्लम आती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि खास तौर से माओं के लिए कि भोजन का विशेष रूप से ध्यान दें। ऐसे में सुपाच्य भोजन सबसे अच्छा क्या होता है, हल्का से हल्का भोजन और बॉइल्ड फूड। अब जैसे इस वक्त सर्दियां चल रही हैं तो तमाम तरह के गाजर है, सलजम है, पत्ता गोभी है, इन सबको बॉइल्ड करके इसका भोजन करें। बंधु, यदि आप चाहते हैं कि आपको इस तरह से इन्फॉर्मेटिव जानकारी निरंतर मिलती रहे, तो अगर अभी तक आपने अपने को वंचित कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब करने से, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें विद नोटिफिकेशन, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।